आज मैंने फुकेट में मोटर बाइक हायर की है और मैं फुकेट सिटी टू राज मोटर बाइक पे करूंगा। इट्स रियली गोना बी एक्साइटिंग। फुकेट में पेतोंग बीच के आसपास आपको बहुत ही इजीली मोटरबाइक रेंट पर मिल जाएगी एंड दैट टू जस्ट फॉर 250 थाई बात पर डे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वक्त मैं हूं कैरोन बीच पर। कैरोन बीच फुकेट का दूसरा सबसे फेमस बीच है। कैरोन बीच बहुत ही साफ है, यहां का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर आसपास काफी सारी हरियाली और छोटे छोटे पहाड़ है। कैरोन के आसपास का इलाका भी एकदम शांत है। यहाँ पे काफी सारे नाइट लाइफ के ऑप्शंस तो है, पर कंपेयर टू पेतोंग ये बहुत ही शांत एरिया है। लोग घंटों तक यहाँ पर सनबाथ लेते हैं। फुकेट और आसपास के हर बीच पर पानी एकदम साफ है और ये समंदर भी एकदम शांत है। कैरोन बीच के आसपास काफी सारे होटल्स और रिसॉर्ट्स भी है, पर ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो या तो हनीमून पर आते हैं या तो एकदम रिलैक्स और शांति वाली छुट्टियां मनाना चाहते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी है। कैरोन बीच पर भी आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में टूरिस्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग खास करके शांति और रिलैक्सिंग वेकेशन बिताना चाहते हैं वो कैरोन बीच के आसपास रहना और यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट बहुत ही कम दिखाई देते हैं। बीच के बाहर खाने पीने, फ्रूट्स और जूसेस के लिए कई सारी दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं। अब चलते हैं काटा बीच। इस वक्त मैं हूँ काटा बीच पर, जो कि पेतोंग और कैरोन के बाद फुकेट का तीसरा सबसे फेमस बीच है। अगर आप इस बीच और इसके आसपास के एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेतोंग और कैरोन से भी ज़्यादा शांति और रिलैक्सेशन दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी इंडियन टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। हालांकि टूरिस्ट की चहल पहल बहुत होती है इस बीच पर भी, और अगर आप आसपास भी इस बीच के ऊपर भी देखेंगे तो इस वक्त भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी समंदर के पानी में नहा के घंटों तक लोग सनबात एंजॉय करते हैं। इस बीच पर आप यहाँ का ट्रेडिशनल मसाज भी ट्राई कर सकते हैं। ये है काटा बीच शॉपिंग मार्केट। यहाँ पे कई सारे शॉपिंग के और खाने पीने के ऑप्शन अवेलेबल है। इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, पर यहाँ पर बहुत गर्मी है इसीलिए मैं कुछ खाऊंगा नहीं, सिर्फ जूस पीऊंगा। प्लीज गिव मी वन ड्रैगन फ्रूट जूस। ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट जूस, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स टेस्टी।
अब मैं जा रहा हूँ बिग बुद्धा टेम्पल जो कि पहाड़ों पर बना है। तो इस वक्त मैं हूँ फुकेट के बिग बुद्धा टेम्पल में और आप जैसे मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं भगवान बुद्ध की बहुत ही काफी बड़ी मूर्ति है और ये मंदिर पहाड़ों के ऊपर स्थित है तो यहाँ पर आने के लिए आपको घाट चढ़ के आना पड़ता है। सच में ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है और आपको यहाँ पर आकर बहुत ही शांति और सुकून का एहसास होगा। सो आज का मेरा दिन और फुकेट का मेरा सफर यहीं पर पूरा होता है। अब वक्त है वापस घर जाने का। उम्मीद है आपको फुकेट के वीडियोस पसंद आए होंगे। मैं जल्द वापस लौटूंगा ऐसे कुछ और रोमांचक ट्रैवल वीडियोस के साथ।